वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बाबे नानक की धरती सुल्तानपुर लोधी, उस धरती के उपर हर साल इन दिनों दे विच श्री गुरु नानक देव जी महाराज के विआह पुरब दीआं रौणकां हुंदीआं सन। पर इस बार कोविड-19 महामारी के चलते विआह पुरब के समागम मठे हो के रह गए ने। जे इन समागमां की गल की जाए तो हर साल सुल्तानपुर लोधी तो गुरद्वारा श्री बेर साहब तो बटाला वास्ते करीब 80 किलोमीटर का पेंडा तय करके बरात रूपी नगर कीर्तन बटाला पहुँचता सी। पर इस बार ना तो नगर कीर्तन सुल्तानपुर लोधी तो बटाले वास्ते रवाना हो रहा है, तो ना ही बटाले की धरती तो सुल्तानपुर लोधी वास्ते संगत शगन रूपी नगर कीर्तन लैके आ रही ने। इस बार कोविड-19 के चलते ये समागम पूरी तरह सादे होके रह गए ने। सुल्तानपुर लोधी विखे सिर्फ गुरद्वारा गुरु का बाग, जिथे पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी साहब का घर हुंदा सी, उस स्थान पर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे, तो उपरंत कीर्तन करवाया जाएगा। जबकि जे पिछले साल की गल की जाए जदों 549वां प्रकाश पुरब मनाया जा चुका सी, ते 550 साल प्रकाश पुरब दियां तैयारियां कीतियां जा रही सन। उस समय वड्डी गिनती विच संगतां सुल्तानपुर लोधी की धरती तो बटाले वास्ते वख-वख पिंडां कस्बियां तो हुंदियां होईयां एक विशाल नगर कीर्तन रूपी बरात लैके बटाले पहुंचियां सन, ते उत्थे दियां संगतां वल्लों इस नगर कीर्तन रूपी बरात का भरमा स्वागत किया गया सी। पिछले कई सालों तो इस तरह ही सुल्तानपुर लोधी की धरती तो बटाला की धरती तक जिथे गुरद्वारा श्री कंध साहब, गुरद्वारा श्री सेहरा साहब दो इतिहासिक गुरु घर मौजूद ने श्री गुरु नानक देव जी के नाल संबंधित, उन्हां गुरु घर दे विच हर साल रौनक लगदियां सन। इस बार बटाला की जे गल की जाए तो बटाला दे विच भी जिहड़े समागम बेहद सादे हो के रह गए ने। कोविड-19 महामारी का प्रभाव देखने को मिल रहा है कि सुल्तानपुर लोधी की धरती तो बाबे नानक दे विआह मौके जिहड़ा बरात रूपी नगर कीर्तन हर साल सजाया जाता सी, वो नगर कीर्तन इस बार नहीं सजाया जा रहा, ना ही बाबे नानक दे विआह मौके वड्डे समागम करवाए जा रहे ने। सिर्फ गुरद्वारा गुरु का बाग सुल्तानपुर लोधी विखे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे, तो उस तो उपरंत कीर्तन होगा। इस तरह के सादे समागम इस बार सुल्तानपुर लोधी की धरती उपर बाबे नानक दे विआह समागम के संबंध में करवाए जा रहे हैं। इस तरह के समागम इस बार बटाले की धरती से हो रहे हैं। बटाले की धरती के उपर भी कोई नगर कीर्तन नहीं सजाया जा रहा है, तो सुल्तानपुर लोधी दे नाल आखिर सिखां दा की इतिहास जुड़िया होया है, गुरु नानक देव जी का की इतिहास जुड़िया होया है, और विआह पुरब का की इतिहास है, ये तुहानू रिपोर्ट दिखाउणे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव अते माता सुलखनी दे विआह पुरब मौके ऐतकी पहली बार गुरुद्वारा सुल्तानपुर लोधी तो बरात रूपी नगर कीर्तन बटाला नहीं जाएगा। विआह पुरब के मद्देनज़र कोविड-19 दियां हिदायतां के मुताबिक इस बार ना तो सुल्तानपुर लोधी तो बरात रूपी नगर कीर्तन जा रहा है, ना ही बटाला दे विच नगर कीर्तन सजाया जा रहा है। इस बार सड़कां किनारे लंगर भी नहीं लगनगे। सुल्तानपुर लोधी के गुरद्वारा गुरु का बाग विखे विआह पुरब के संबंध में श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे। दस दिए कि इतिहास अनुसार जो बाबा नानक अते माता सुलखनी के फेरियां का समा आया तो फेरियां के लिए वेदी अते हवन कुंड तैयार किया गया, पर बरात के नाल आए पंडित हरदयाल ने लड़की वालियां दे पंडित नूं दस्या कि गुरु नानक देव जी ने अग दुआले फेरे लैण तो मना कर दिता है। पंडित हरदयाल ने लड़की वालियां नूं दस्या कि लाड़ा पुरातन रीति रिवाजों अनुसार विआह नहीं करवाना चाहुंदा, जिस मगरों एक थड़ा बनाया गया। इस थड़े ते एक चौंकी रखी गई जिस ते मूल मंत्र लिखा होया सी। गुरु नानक देव जी ने माता सुलखनी नाल मूल मंत्र दे फेरे ले सन, जिस करके उदों दा बनाया गया थड़ा अज भी गुरुद्वारा श्री डेरा साहब च अपने मूल रूप च मौजूद है।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਰਾਤ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਕੰਧ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ